गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नेहा श्रीवास्तवा गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट का दूसरा पार्ट स्टडी करेंगे। पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि इंडिकेटर्स की हेल्प से एसिड और बेस को कैसे डिफरेंशिएट किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए हम एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। एसिड की सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। एसिड का मेटल से क्या रिएक्शन होता है, इसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है और इस एग्जाम्पल में दिखाया है जिंक की डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन। बच्चों, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करता है तो मेटल सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। यहाँ पर आप देखिए, इस एक्टिविटी में हमने दिखाया है कि ये एक हार्ड ग्लास ट्यूब है। इसमें हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया और थोड़े से जिंक के ग्रैन्यूल्स डाल दिए। आप देखेंगे कि जैसे ही डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में आपने जिंक ग्रैन्यूल को डाला, वैसे ही यहां पर एक ब्रिस्क रिएक्शन स्टार्ट हो गया और इस रिएक्शन से यहां पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट हुई जो इस डिलीवरी ट्यूब से जा करके कलेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि निकली हुई गैस हाइड्रोजन है, ये कैसे प्रूफ की जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक सोप सॉल्यूशन ले लिया है और जब हाइड्रोजन गैस सोप सॉल्यूशन में एंटर करता है तो यहाँ से जब बबल्स के फॉर्म में निकलते हैं, सोप बबल्स, तो वो सोप बबल्स किससे भरे होते हैं, ये सोप बबल्स दे आर फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस। अब आपने क्या करना है, आपने प्रूफ करना है कि इस सोप बबल्स के अंदर हाइड्रोजन गैस ही है और कोई गैस नहीं है। तो हाइड्रोजन गैस का एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है कि जब भी आप हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में कोई जलती हुई मैचस्टिक या कोई जलता हुआ कैंडल लेकर के आएंगे तो वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पे ये जो सोप बबल्स निकल रहे थे जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था, उसके पास में हम एक बर्निंग मैचस्टिक लेकर के आए। आप देखेंगे कि जैसे ही ये बर्निंग मैचस्टिक सोप बबल के कॉन्टैक्ट में आया, वैसे ही एक पॉप साउंड प्रोड्यूस हो गया। तो यहां पर हमने ये प्रूफ कर दिया कि निकली हुई गैस हाइड्रोजन गैस है। अब आप देखिए कि इस रिएक्शन से आपको क्या समझ में आया। बच्चों, इस रिएक्शन में आपने देखा कि मेटल ने हाइड्रोजन को उसके एसिड से डिस्प्लेस कर दिया। यहां पर क्या हुआ, जिंक ने हाइड्रोजन को सल्फ्यूरिक एसिड में से डिस्प्लेस कर दिया। तो बना क्या, यहां पर बन गया जिंक सल्फेट जो कि मेटल सॉल्ट है और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो गई। अब हमें ये देखना है कि क्या हर एक मेटल दी गई एसिड से एक ही तरह से रिएक्शन करता है। तो इसका आंसर है नहीं, सारे मेटल्स की रिएक्टिविटी एक दिए हुए एसिड के साथ एक जैसी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर हमने दिखाया है कि मैग्नीशियम जब किसी एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो रिएक्शन बहुत ही विग्रस होता है, और उसी एसिड के साथ में जब जिंक रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन कंपैरेटिवली लेस विग्रस हो जाएगा। जब आयरन रिएक्ट करेगा तो वो रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगा, और कॉपर रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन ही नहीं होगा। अब यहां तक तो समझ में आया कि कोई मेटल है एसिड के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो कभी रिएक्शन विग्रस है, कभी लेस विग्रस है, कभी स्लो है, लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रहा, ये बात समझ में नहीं आती। तो बच्चों, इसका आंसर ये है कि जब आप एक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर की पोजीशन रखते हैं वो हाइड्रोजन को उसके एसिड में से डिस्प्लेस कर सकते हैं, और जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो मेटल हाइड्रोजन को उसकी एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डेफिनेटली कॉपर की पोजीशन एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है, इसीलिए कॉपर हाइड्रोजन को उसकी एसिड में से डिस्प्लेस नहीं कर सकता।
तो यहां पर आप कह सकते हैं कि अगर हम इन चार मेटल्स को कंपेयर करें तो मैग्नीशियम सबसे अधिक रिएक्टिव होगा, फिर जिंक, फिर आयरन और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा कॉपर। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि कोई भी मेटल जब एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और उसकी पोजीशन एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हो तो वो क्या कर सकता है, वो इस एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस लिब्रेट हो जाएगी और यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर मेटलिक सॉल्ट बन जाएगा। आइए अब हम एसिड की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज को शुरू करते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे एसिड की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट्स भी कहते हैं। बच्चों जब भी कोई एसिड मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करती है तो वो सॉल्ट बनाती है, इस रिएक्शन में वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिब्रेट होती है। तो क्या सीखा हमने, व्हेनेवर एनी एसिड रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट देन इट फॉर्म्स सॉल्ट, वाटर इज फॉर्म्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज लिब्रेटेड। इस रिएक्शन को हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझेंगे। बच्चों यहाँ पर इस हार्ड ग्लास ट्यूब में हमने एसिड ले लिया, इस एसिड को देखिए यहाँ एक थिसल फनल है, इसकी हेल्प से हमने भर लिया और इसमें हमने पहले से क्या ले रखा था, इसमें हमने पहले से सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले रखा था। और आपको क्या पता है, जब भी एसिड कार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाएगी, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वही रिएक्शन यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर जो एसिड ली है वो डाइल्यूट HCl है, उसने जब सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट किया तो क्या बनाया होगा, आप यहाँ पे देखिए, रिएक्शन ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद HCl इट गिव्स NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और जब सोडियम बाइकार्बोनेट HCl से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NaCl, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, सॉल्ट, दिस इज वाटर एंड दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर यही रिएक्शन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस डिलीवरी ट्यूब के बाहर निकलती है। अब कैसे पहचानेंगे कि निकली हुई गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। बच्चों आप क्लास 8th से एक रिएक्शन पढ़ते आ रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को जब हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। इसी रिएक्शन का यूज़ करके हम प्रूफ करेंगे कि निकली हुई गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने इस टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर ले लिया और इसको टिल्ट करके इसमें डिलीवरी ट्यूब को इंसर्ट कर दिया ताकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते ही किसके कॉन्टैक्ट में आ जाए, लाइम वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाए। और लाइम वाटर क्या होता है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर प्रोड्यूस करेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, एक मिल्की सस्पेंशन होता है, इसीलिए ये जो लाइम वाटर है इट टर्न्स मिल्की। क्यों मिल्की हो जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब लाइम वाटर से रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जिसकी वजह से उसका अपीयरेंस मिल्की हो जाता है। लेकिन कभी कभी आप ये देखेंगे कि जब ये रिएक्शन लंबे समय के लिए कैरी कर लें आप तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस लाइम वाटर में जाएगी, और जब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद लाइम वाटर तो धीरे धीरे जो मिल्कीनेस थी वो भी डिसअपियर हो जाएगी। उसका केमिकल रिएक्शन देखिए, ये जो मिल्की सस्पेंशन था वो किसकी वजह से था, दैट वाज बिकॉज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट फर्दर जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेगा और जो मिल्कीनेस थी वो क्या हो जाएगी, वो डिसअपियर हो जाएगी। तो ओवरऑल इस रिएक्शन
से हमने क्या प्रूव किया कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिब्रेट होती है, और इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लाइम वाटर में पास करके कंफर्म कर सकते हैं। आइए अब हम एसिड्स की अगली केमिकल प्रॉपर्टी शुरू करते हैं। बच्चों, अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेसिस। बच्चों, जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों, क्या होता है ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, आप देखिए इसको भी हम एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से समझेंगे। इसके लिए हमने किया क्या है बच्चों, इसके लिए यहाँ पर एक कोनिकल फ्लास्क लिया है और उसमें थोड़ा सा लगभग 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया है जो कि बेसिक नेचर का होता है। उसमें फिर हम एक या दो ड्रॉप फिनोप्थेलिन इंडिकेटर डालेंगे और पहले वीडियो में आपको बताया गया था कि फिनोप्थेलिन इंडिकेटर बेस के साथ में पिंक कलर देते हैं। आप देखेंगे कि जब आपने पहले NaOH सॉल्यूशन इसमें डाला था तो वो कलरलेस था, आपने जैसे ही इसमें एक या दो ड्रॉप फिनोप्थेलिन डाला वैसे ही क्या होगा, इस पूरा सॉल्यूशन का कलर जो है वो पिंक में बदल जाएगा। अब ये सॉल्यूशन पिंक कलर का हो गया, अब क्या करेंगे हम इसमें, अब हम इस सॉल्यूशन में वापस ड्रॉप बाय ड्रॉप HCl डालेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आप देखेंगे कि जब आप इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो फिर से क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने इस पिंक सॉल्यूशन में वापस HCl डाला तो थोड़ी देर के बाद वो सॉल्यूशन कलरलेस हो गया। ये क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने शो की। कैसे शो की, जो आपका बेस था उसने फिनोप्थेलिन इंडिकेटर के साथ में पिंक कलर दिया था और जब हमने वापस उसमें एसिड डाला तो इस एसिड ने क्या किया, इस एसिड ने उस बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखिए बच्चों होता क्या है, जैसे यहाँ पर हमने लिया था HCl और NaOH, यहाँ पर HCl आयोनाइज हो गया H+ और Cl- में और यहाँ पर NaOH आयोनाइज हो गया सोडियम आयन और OH आयन में। अब ये जो H आयन है और OH आयन है ये दोनों मिलकर के वाटर बना लेंगे और जो Na+ है और Cl- है ये दोनों मिलकर के NaCl विच इज अ सॉल्ट सॉल्ट बना लेंगे। तो क्या रिएक्शन हुआ, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बच्चों अगला रिएक्शन है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों जो एसिड का सॉल्यूशन होता है दैट इज अ गुड कंडक्टर। अगर आप एसिड के सॉल्यूशन की जगह ड्राई एसिड ले लें तो वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप ड्राई एसिड लेंगे तो उसमें आयंस का प्रोडक्शन नहीं होगा। जब आप एसिड का सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें आयंस का प्रोडक्शन होगा एंड जो सॉल्यूशन ऑफ एसिड है दैट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आइए अब हम इसकी अगली प्रॉपर्टी को स्टडी करते हैं। बच्चों एसिड्स की अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड के साथ में जब ये एसिड रिएक्ट करता है तो भी सॉल्ट और वाटर बनाता है। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर हमने मेटल ऑक्साइड के लिए ब्लैक कॉपर ऑक्साइड का पाउडर लिया है और उसमें जब हम HCl गैस पास करते हैं तो जो रिएक्शन होता है उसमें सॉल्ट बनता है, कॉपर क्लोराइड और वाटर बनता है। इसको अगर आप एक्सपेरिमेंटल फॉर्म में देखिए तो यहाँ पर हमने एक बीकर में 1 or 2 gram कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक पाउडर ले लिया है और उसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया है। अब आप एक ग्लास रॉड लेकर के इसको अच्छी तरह से स्टिर करिए। स्टिर करने से मतलब है अच्छी तरह से इसको चला लीजिए और थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड पाउडर था ये पूरी तरह से एसिड में डिसॉल्व होकर के गायब हो गया
और उसने रिएक्शन करके जो सॉल्यूशन बनाया वो ब्लूइश ग्रीन कलर का सॉल्यूशन था और उसका केमिकल कंपोजिशन था CuCl2। यहाँ पर उसने क्या बनाया, यहाँ पर उसने कॉपर क्लोराइड बनाया। तो कॉपर क्लोराइड क्या है, सॉल्ट है और इसके साथ में क्या बना, वाटर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या प्रूफ किया, हमने प्रूफ किया कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। तो बच्चों आज के इस दूसरे पार्ट में आपने एसिड्स की कई केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी। पहली केमिकल प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल वो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। इस हाइड्रोजन गैस को हमने पॉप साउंड वाले एक्सपेरिमेंट से प्रूफ किया था। फिर अगला, एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो उसने क्या बनाया, सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को प्रूफ करने के लिए हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था, लाइम वाटर वाला एक्सपेरिमेंट किया था। फिर अगला था, एसिड और बेस जब मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं और इसके लिए हमने वो फिनोप्थिलीन वाला रिएक्शन शो किया था जिसमें न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को शो किया गया था। फिर अगला है, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। बच्चों जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो क्या होता है, वो आयंस बनाते हैं और वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को शो करते हैं। फिर अगला और लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो ये वाली शो की थी वो क्या थी, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। तो आज के इस वीडियो में आपने एसिड की बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को सीखा और जो इसका अगला वीडियो होगा पार्ट 3 उसमें हम बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।